हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिहार एएनएम वैकेंसी 2021 के बारे में। बिहार में एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रखा गया है, सैलरी आपको इस पोस्ट पे कितनी दी जाएगी, एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 8,853 निकाली गई है और इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो एएनएम है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 8,853 निकाली गई है। बाकी आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो, कौन कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी यहाँ पे 11,500 तक पर मंथ मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे डिप्लोमा मांगा गया है, फुल टाइम 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एएनएम में, और साथ ही में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करें यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है उसमें आप देख सकते हो टोटल जो पोस्ट है वो बताई गई है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताया गया है कि यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा जो कि 100 नंबर का होगा, बाकी यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा और ना ही यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो ये यहाँ पे दो आपका नहीं होने वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्हें लिखा गया है, बाकी यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा सिर्फ, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सीबीटी जो एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल नॉलेज से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी से 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 20 नंबर और नर्सिंग से यहाँ पे 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 120 मिनट का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। अगर यहाँ पे इसके टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे वो आप देख सकते हो, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज में। उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी के ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद है नर्सिंग का सिलेबस, तो नर्सिंग का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको मेंशन की गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो ये है इसकी टॉपिक वाइज सिलेबस। अगर यहाँ पे इसकी एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है वो आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपकी बताई गई है। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो अनारक्षित वर्ग के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल है मैक्सिमम एज, और मिनिमम एज सभी के लिए 18 साल रखी गई है, और पिछला वर्ग अत्यंत पिछला वर्ग के मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेल और फीमेल के लिए 42 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जून 2021 तक की जाएगी। तो ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज लिमिट रहेगी आपकी। उसके बाद बात करें यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी और एमबीसी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, फीमेल के लिए 250 रुपये है। SC ST बिहार कैंडिडेट के लिए जो जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है उनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही, और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अप्लाई कैसे आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, इस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अप्लाई आप आज से ही कर सकते हो, 1 जुलाई 2021 से यहाँ पे इसमें अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2021 रखा गया है, शाम 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसकी एप्लीकेशन डेट है। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।